हरी राधा। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मल्टी सुपर टेक्निकल। तो दोस्तों जैसा कि आपने मेरे मोबाइल स्क्रीन पर स्टेटस देखा, उस तरह का आप स्टेटस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें काइन मास्टर ओपन करना है। काइन मास्टर में आपको मैं बताऊंगा कि आप उस तरह का स्टेटस कैसे बना सकते हैं दोस्तों, तो प्लीज मेरे वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको काइन मास्टर ओपन करना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद दोस्तों आपको प्लस के आइकॉन पर जाना है। प्लस के आइकॉन पर जाने के बाद दोस्तों 16:9 का रेशो लेना है आपको। तो 16:9 का रेशो लेने के बाद दोस्तों आपको मीडिया पे जाना है। ऊपर मीडिया पे जाने के बाद दोस्तों आपको कुछ वॉलपेपर आपको डाउनलोड कर लेने हैं। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है और उसका बैकग्राउंड चेंज कर रखा है। तो मैंने यहाँ से वॉलपेपर कुछ डाउनलोड कर रखा है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप यहाँ पे स्टेटस बना सकते हैं। तो आपको करना है कि आपको यहाँ से 10-12 वॉलपेपर अपने सेलेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ से फटाफट मैं करके दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये मैंने कम से कम 12-13 फोटो ले लिया। उसके बाद आपको करना क्या है, ये देखो इस तरह का मेरा फोटो है। तो आपको इसको करना क्या है, आपको इस पे फोटो पे क्लिक करके आपको यहाँ डबल वाले आइकॉन पे आना है, बीच वाले आइकॉन पे। उसके बाद आपको इसको सेंटर पे कर देना है, सेंटर पे करके और इसको जूम कर देना है, इसको बराबर कर देना है दोस्तों। आपको एक एक करके इस तरह सारे फोटो को कर देना है। तो मैं करके दिखा देता हूँ फटाफट एक एक करके। तो आप प्लीज मेरे वीडियो पे बने रहें। तो दोस्तों मैंने सबको एक एक करके अपना फोटो को एडजस्ट कर लिया। उसके बाद आपको करना क्या, आपको फोटो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कलर फिल्टर पे जाना है। ये देखो कलर फिल्टर है, आपको कलर फिल्टर पे जाना है। उसके बाद आपको बेसिक पे जाना है। बेसिक पे जाने के बाद आपको ये B03 पे आपको इस आइकॉन पे जाने से वाले इफेक्ट पे, तो आपको इस पे इफेक्ट कर देना है। आपको एक एक करके सारे फोटो पे इस तरह का इफेक्ट कर देना है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ फटाफट। तो दोस्तों मैंने सबको कर दिया एक एक करके, आपने कलर फिल्टर कर दिया। आप देख सकते हो मेरे मोबाइल स्क्रीन पे इस तरह का मेरा बन चुका है। मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, ये देखो इस तरह का कलर और इफेक्ट वाला बन चुका, बहुत ही कमाल का लग रहा है। तो उसके बाद आपको करना क्या, ये देखो आप देख सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या, आपको बीच में ये आइकॉन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना। इसके क्लिक करने के बाद तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट है, तो आपको यहाँ पे जाना है और आपको स्पिन 10 का आपको इफेक्ट डाउनलोड करना है। अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हो, नहीं तो आप डाउनलोड कर लेना दोस्तों। तो यहाँ पे मैं स्पीड 10 है, ये देखो यहाँ पे इस तरह का आइकॉन बना हुआ है स्पीड 10 का, ये देखो यहाँ पे। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे गेट मोड पे जाओगे आप, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप यहाँ से जाके इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको करना है, मैं आपको करके दिखा दूँ। तो स्पीड 10 है, आपको स्पीड 10 में आपको इस तरह का एनिमेशन यूज करना है। तो आपको इस तरह का एनिमेशन है, तो आपको इस पर एक एक करके आपको सबके एनिमेशन चेंज कर देने हैं दोस्तों। तो आपको एनिमेशन लगा देना है सब पे एक एक करके। तो ये देखो मैं इस तरह का एनिमेशन लगा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे इस तरह का एनिमेशन लगा देता हूँ। ये देखो बहुत ही कमाल के हैं। तो ये देखो इस तरह का एनिमेशन है, तो मैं लगा देता हूँ एक एक करके। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो पर बने रहे दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे सारे इफेक्ट लगा दिया, आप देख सकते हो, मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखो इस तरह का मेरा इफेक्ट लग चुका है, आप भी लगा लेना जैसे मैंने बताया। तो आपको करना है कि आपको फोटो फिर एडजस्ट करना है, आपको थोड़ा थोड़ा इसका साइज कम कर देना है। आपको जितना वीडियो चाहिए आप उतना कर सकते हो, जैसे 30 सेकेंड का वीडियो है आपका तो आप 30 सेकेंड का आप कर सकते हो यहाँ पे। तो इसको जो फोटो बड़ा आप उसको छोटा कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखो ये मैं इसको 30 सेकेंड का कर देता हूँ। तो ये मेरा 30 सेकंड का हो जाएगा, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ अच्छे से। तो हमें 30 सेकंड से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाना दोस्तों, क्योंकि 30 सेकंड का ही स्टेटस होता है। तो मैं यहाँ पे 30 सेकंड का एडजस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ कमाल का फोटो लग रहा है। तो ये देखो यहाँ पे बहुत ही कमाल का है। तो ये मेरा 30 सेकंड हो चुका है। तो ये इस तरह का मेरा फोटो है, आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो इस तरह का इफेक्ट के साथ और एनिमेशन के साथ इस तरह का आपका वीडियो क्रिएट हो जाता है, ये देखो दोस्तों। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो पे बने रहे। उसके बाद आपको करना है कि, उसके बाद दोस्तों इसको करना है कि आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिला, आपको इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा एक्सपोर्ट हो जाता है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको करना क्या है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों हमने उस वीडियो को एक्सपोर्ट कर दिया, उसके बाद आ जाते हैं बैक आने के बाद दोस्तों। मैं बताता हूँ दोस्तों, दोबारा आपको प्लस के आइकॉन पर जाना है। प्लस के आइकॉन पर जाने के बाद 1:1 का रेशो आपको लेना है। ये देखो 1:1 का रेशो है, आपको 1:1 का रेशो लेना है। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से मीडिया से एक बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो यहाँ से आपको एक व्हाइट बैकग्राउंड ले लेना है। तो मैं यहाँ से व्हाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ और इसको मैं 30 सेकंड का कर देता हूँ, क्योंकि 30 सेकंड का हमारा वीडियो है। तो मैं बैकग्राउंड को 30 सेकंड का तक कर देता हूँ। तो मैंने इसे 30 सेकंड का कर दिया। उसके बाद दोस्तों इस पर करना है कि आपको जो आपने वीडियो एक्सपोर्ट किया आपको यहाँ से उसको लाना है। तो दोस्तों यहाँ पे करना है कि आपको लेयर आउट पे जाना है, और लेयर आउट पे जाने का जो आपने मीडिया से एक्सपोर्ट किया वीडियो आपको वो सिलेक्ट करना है। तो मैंने ये वाला वीडियो एक्सपोर्ट किया था, ये देखो यहाँ पे आ चुका है ये इस तरह का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्ले करके थोड़ा सा।
दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखो इस तरह का मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, ये देखो इस तरह का प्ले कर दिया, तो ये आ चुका है इस तरह का। तो आपको करना क्या इसमें, तो दोस्तों उसके बाद क्या करना है, आपको लेयर आउट पे जाना है। लेयर आउट पे जाने के बाद आपको हैंड राइटिंग वाले पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कलर लेना है, आपको कोई सा भी अपना फेवरेट कलर ले सकते हो। तो मैं यहाँ से येलो ले लेता हूँ और यहाँ पे बॉक्स वाला ले लेता हूँ, जो सिंपल बॉक्स है आपको उस तरह का ले लेना है। तो मैंने ये वाला सिलेक्ट कर दिया। तो आपको करना है कि आपको इस पर एडजस्ट करना है, ये देखो इस तरह का है। तो आपको एक फ्रेम बनाना है यहाँ पे, तो इस तरह का आपको फ्रेम बनाना है, पूरा एडजस्ट कर देना है आपको उस हिसाब से। तो ये देखो मैंने एडजस्ट कर दिया, तो ये मेरा फ्रेम बन चुका है। तो उसके बाद इसको जितना आपका वीडियो है आपको उतना कर लेना है। तो मेरा जितना वीडियो मैं उतना इसको लंबा कर लेता हूँ, ये देखो ये मेरा 30 सेकंड का, तो मैं 30 सेकंड का इसको लंबा कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इस तरह का मेरा वीडियो है। तो मैं प्ले करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो ये मेरा इस तरह है, जैसे एक पोस्टर होता है उस तरह का आपका वीडियो बन रहा है। तो ये देखो यहाँ पे इस तरह का मेरा वीडियो बन चुका है। उसके बाद आपको तो दोस्तों आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो डाउनलोड करना है लिरिक्स वाला सॉन्ग के साथ जो होता है, तो आपको वहां से कर लेना, मैंने कर रखा है, आप भी कर लेना जाके। उसके बाद दोस्तों आपको लेयर पे जाना है, लेयर के बाद आने के बाद मीडिया में जाना है। उसके बाद आपको यहां से वो वीडियो जो आपने डाउनलोड करा सॉन्ग, आपको वो करना क्या है, आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना। तो जैसे मैंने यहाँ से एक सॉन्ग ले रखा है, तो मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, ये देखो मैं जितना ले रखा मैंने इसको एडजस्ट कर देता हूँ अपने हिसाब से। तो इसको मैं कट कर देता हूँ। तो ये वाला ग्रीन स्क्रीन वीडियो मैंने ले रखा है, तो आप भी डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको करना है कि आपको इसको एडजस्ट कर लेना है, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे अपने हिसाब से ना थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों इसको थोड़ा लंबा छोटा कर देते हैं, तो मैंने इसको इस शेप में कर दिया। तो उसके बाद आपको करना है कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना, हल्का सा इसके हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर देना, ये देखो यहाँ पे। उसके बाद आपको करना है, तो दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या, वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्रोम की मिलेगा, क्रोम की पे जाकर इसको इनेबल कर देना है। तो आपको इनेबल करने के बाद आपको थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना होगा ग्रीन स्क्रीन को, तो मैं हल्का सा एडजस्ट कर देता हूँ, ये देखो इस तरह का। तो मैंने एडजस्ट कर दिया, तो आप देख सकते हो मेरा वीडियो इस तरह का प्ले होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। तो मेरा इस तरह का वीडियो बन चुका, बढ़िया लग रहा है, ये देखो इस तरह का आप स्टेटस क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। इसमें आपको करना है कि एक चीज और मैं बता दूं, आपको लेयर आउट पे जाना है और आपको एक कोई इफेक्ट वाला टेम्पलेट डाउनलोड करना है। जैसे इफेक्ट वाला होगा तो आपको टेम्पलेट एक डाउनलोड कर लेना, जो भी होगा आपके पास आप कर लेना, मैं यहाँ से एक कर रखा आप कर लेना जाके। उसके बाद आपको उसको टेम्पलेट पे जाना है, आपको वहां से टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको दोस्तों टेम्पलेट को करना है, आपको उसको ब्लेंडिंग कर देना है। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे ब्लेंडिंग कर देना, आपको ब्लेंडिंग पे जाना और स्क्रीन कर देना है। तो इस तरह का मेरा हो चुका है, तो आप कर सकते हो इस तरह का। तो मैं इसका टेम्पलेट का वॉल्यूम बंद कर देता हूँ यहाँ से स्पीकर। तो आप देखो इस तरह का मेरा वीडियो बन चुका है, बहुत ही कमाल का, आप देख सकते हो मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। तो ये बहुत ही कमाल का वीडियो बन चुका है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों।